Hi friends, welcome to Data Structures in Java series. This is our lecture one, और आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं the most common data structure that is arrays, right? शुरुआत में लेक्चर के एजेंडा से कर रहा हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा एरेज क्या होते हैं, एक ब्रीफ रिव्यू आपको दूंगा. वैसे आप जानते होंगे बाकी लैंग्वेजेस में एरे आपने पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही जावा में है, बट कुछ बातें जावा के एरेज को C++ के एरेज से डिफरेंट करती हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं एरेज क्या होते हैं, जावा के एरेज C++ से कैसे डिफरेंट हैं, और जावा में एरे बनाने का स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या होता है, एज वेल एज व्हाट हैपेंस इन मेमोरी जब आप जावा में एरे क्रिएट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एरे का डिस्कशन. फ्रेंड्स, आई थिंक आप सब जानते हैं एरे वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर करने की जरूरत पड़े. लेट्स से मैं आपसे कहता हूं मुझे एक स्टूडेंट का रोल नंबर अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना है. तो आप मुझे बोलेंगे सर इस काम को करने के लिए आप एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए रोल. लेट्स से इसका नाम रोल वन दे देते हैं. अगर आपसे मैं बोलता हूं मुझे दो स्टूडेंट्स के रोल नंबर रखने हैं तो आप मुझे बोलेंगे सर एक और वेरिएबल ले लीजिए रोल टू. चलिए एक वेरिएबल लेना दो वेरिएबल लेना मुश्किल नहीं है, बट अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे 15 स्टूडेंट्स का रोल नंबर होल्ड करना है या 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर होल्ड करना है, तो आप सोचें आपके लिए कितना मुश्किल होगा 15 या 100 स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे वेरिएबल बनाना. इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहती हैं कि अगर आपको बहुत सारे डेटा पे काम करना हो तो आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज. यानी अगर आपको 15 स्टूडेंट्स का रोल नंबर या 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर रखना है तो दुनिया की हर लैंग्वेज आपको सजेस्ट करती है कि आप एरे जैसा डेटा स्ट्रक्चर अपने प्रोग्राम में यूज करें. ये बातें आपने C++ जैसी लैंग्वेजेस में भी सुनी होंगी, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जावा के एरेज में क्या सिमिलैरिटी है कंपेयर टू एरेज ऑफ C++ लैंग्वेजेस, राइट? तो इन जावा ऑल्सो एन एरे इज, नोटिस करिएगा, सबसे पहले मैं सिमिलर पॉइंट लिख रहा हूं. नंबर वन, इन जावा ऑल्सो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स. यानी जावा के अंदर भी जब आप एरे बनाते हैं तो एरे के अंदर आप सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन रखते हैं, राइट? बिल्कुल सी की तरह जावा के अंदर भी एरे एलिमेंट्स आर, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज स्टोर्ड एट कंटीन्यूअस लोकेशन, विच इज स्टोर्ड एट कंटीन्यूअस लोकेशंस. नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एरेस की. कौन सी दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं? पहली, इन जावा एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट. यानी जावा में भी आप एरे बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके एरे में आप सेम टाइप के एलिमेंट रख सकते हैं. ये पॉसिबल नहीं है कि आप एरे के अंदर 10 इंटीजर रख लें, 5 स्ट्रिंग रख लें और 15 ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के रख लें. ये पॉसिबल नहीं है. जब भी एरे बनेगा वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करके बनेगा. दूसरी खास बात, जावा भी कहती है जावा के एरेज मेमोरी में जब भी स्टोर होंगे कंटीन्यूअस लोकेशंस पे स्टोर होंगे. यानी अगर एरे के फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन 1000 है तो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट की लोकेशन जस्ट उसका अगला सेल होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एरे. मतलब अगर एरे कैरेक्टर का है और फर्स्ट एलिमेंट 1000 पे है तो अगला एलिमेंट 1002 पे होगा क्योंकि जावा में कैरेक्टर्स 2 byte के. अगर एरे इंटीजर का है, फर्स्ट एलिमेंट 1000 पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट 1004 पे होगा, थर्ड एलिमेंट 1008 पे होगा. दैट मींस एरे को मेमोरी में जगह हमेशा चाहिए कंटीन्यूअस, राइट? तो ये दो बातें जावा भी बिल्कुल C++ की तरह मानती है. और एक चीज जावा की C++ से मैच करती है कि अगर आपने C++ में एरेस पढ़े हो तो आपने उन्हें एक्सेस करने के लिए इंडेक्सेस यूज करे होंगे, राइट? तो इन जावा ऑल्सो एन एरे इज एन इंडेक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर. जब मैं कह रहा हूं इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर है तो मेरा मतलब है एरे के अंदर डेटा एक्सेस करने के लिए जावा में भी आपको इंडेक्सेस लेने पड़ते हैं और ये इंडेक्सेस जावा में भी स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक? तो ये सारी बातें हैं जो जावा के एरेज को सिमिलर करती हैं कंपेयर टू एरेज ऑफ C++. अब बात करते हैं जावा में डिफरेंट क्या है. तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इन जावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई शुड राइट बट इन जावा एन एरे इज इंटरनली एन ऑब्जेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जावा में एरे अंदरूनी तौर पे इंटरनली एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करा जाता है. यानी जो फॉर्मेलिटीज आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जावा में लेते हैं
जो सिंटेक्स आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जावा में लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सिंटेक्स जावा में एरे को क्रिएट करने के लिए लिया जाता है। जब भी जावा में एरे बनेगा ऑलमोस्ट वही स्टेप्स होंगे जो स्टेप्स आप एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एरे के बारे में तीन और जरूरी बातें याद रखनी है जो C++ से जावा के एरे को अलग करती हैं। पहली जरूरी बात, गौर करिएगा, पहली जरूरी बात, सिंस एरे इज एन ऑब्जेक्ट राइट, इट इज ऑलवेज क्रिएटेड डायनामिकली। याद रखिएगा C++ और C में एरेज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। जावा में एरे सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक होता है, यानी जावा के एरेज कब बनते हैं, जावा के एरेज बनते हैं रन टाइम पे। दूसरी जरूरी बात, आपने जावा के बेसिक्स में पढ़ा होगा, जब भी जावा में कोई चीज रन टाइम पे बनती है वो मेमोरी के कौन से एरिया में रहती है, ऑब्वियसली बात है वो मेमोरी के हीप एरिया में रहती है। तो अगर जावा में आप एरे बना रहे हैं तो जावा उसे मेमोरी के हीप एरिया में जगह देगी, राइट। सो अगेन, सिंस एरेज आर created at run time, since arrays are created at run time, right, comma, Java stores them in heap area. Java इन्हें memory के heap area में रखती है। Last but not the least, Java में array बनाने के लिए आप उसी keyword को use करते हैं जिस keyword से आप Java में object बनाते हैं। I think आप सबको पता है, the name of that keyword is new keyword. राइट, जावा में एरे बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज आपको करना है। सो दे आर क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड न्यू, राइट। तो मैं एक बार फिर समराइज कर रहा हूं, जावा के एरे में अलग क्या है। नंबर वन, क्योंकि जावा का एरे ऑब्जेक्ट है वो हमेशा डायनेमिकली क्रिएट होता है, रन टाइम पे क्रिएट होता है। नंबर टू, क्योंकि जावा का एरे ऑब्जेक्ट है वो बाकी ऑब्जेक्ट की तरह हीप एरिया के अंदर रहता है, वो एरिया जहां जावा रन टाइम पे क्रिएट होने वाली चीजों को रखती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट है तो आप एरे क्रिएट करने के लिए हमेशा यूज करेंगे द कीवर्ड न्यू। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, बगैर न्यू के भी आप एरे बना सकते हैं, बट इंटरनली जावा उसमें न्यू कीवर्ड ही यूज कर लेती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब अपन बात करते हैं जावा में एरे बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स, जावा में एरे बनाना, गौर कीजिएगा, टू स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनाना टू स्टेप प्रोसेस है। हालांकि ये दोनों स्टेप्स आप आगे चलकर मर्ज करके सिंगल स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एन एरे इन जावा, तो जावा में एरे क्रिएट करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होगा आप सीखें हाउ टू डिक्लेयर रेफरेंस टू एन एरे, डिक्लेयर रेफरेंस टू द एरे। ओके, कैसे रेफरेंस टू द एरे डिक्लेयर होता है, तो जरा ध्यान से इसके सिंटेक्स को समझिएगा। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे आपके एरे की डेटा टाइप, ओके? अगर इंट बनाना है तो इंट, कैर बनाना है तो कैर, व्हाटएवर टाइप ऑफ द एरे इज। उसके बाद आप लगाएंगे सिंबल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। गौर कीजिएगा, आप अपने प्रोग्राम में एरे बना रहे हैं तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल आएगा। हालांकि ये एरे का स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये एरे के रेफरेंस को इंडिकेट करने का स्क्वायर ब्रैकेट है। उसके बाद आप नाम देंगे आपके एरे रेफरेंस को, जो भी आपको नाम देना है, और यहां पर लग जाएगा सेमी कोलन, राइट। अगर मैं आपको इसको एग्जैक्ट एग्जांपल में लिख के दिखाऊं, तो इमेजिन करिए आपने जावा में बोला INT स्क्वायर ब्रैकेट AR। अब बहुत अच्छे से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा, अगर कोई आपसे कहे ये क्या बन रहा है, क्या ये जावा में एरे बन रहा है, नहीं ये जावा में एरे नहीं बन रहा है, तो फिर ये क्या बन रहा है, इसको हम बोलते हैं जावा में रेफरेंस टू एन एरे। ये खुद एरे नहीं है, ये एक पॉइंटर है जिसे जावा में रेफरेंस बोलते हैं, जो एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। रिकॉल कीजिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा जावा की दुनिया में एरेज क्या हैं, जावा की दुनिया में एरेज ऑब्जेक्ट हैं। और आप जानते होंगे जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमें उसका बनाना पड़ता है रेफरेंस, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो एरे को रेफर करने के लिए भी हमें उसका बनाना पड़ेगा रेफरेंस, जिसे हम लोग बोलेंगे एरे रेफरेंस। तो अगर आपसे कोई कहे इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो आप सी की तरह ये ना बोलें कि ARR इज एन एरे, ARR इज नॉट एन एरे, आप बोलोगे ARR इज अ रेफरेंस टू एन इंटीजर एरे। ARR इंटीजर एरे का एक रेफरेंस है, यानी एक ऐसा पॉइंटर है जो एक इंटीजर एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला है। सो ARR इज अ रेफरेंस टू एन इंटीजर एरे, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं इस लाइन के चलने पर जावा क्या करेगी, तो इस लाइन के चलने पर जावा मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट करेगी,
गौर करिएगा, इस ब्लॉक का कोई लेना देना डेटा टाइप से नहीं है, ये ब्लॉक उतने का होगा जितना जावा एक रेफरेंस को जगह देती है, और आमतौर पे जावा रेफरेंसेस को जगह 8 बाइट्स की अलॉट करती है आमतौर पे। इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आप जनरली देखेंगे कि जावा में जब रेफरेंसेस बनते हैं तो जावा उन्हें मेमोरी में ऑलमोस्ट 8 बाइट की स्पेस देती है। और अगर मैं आपसे बोलूं इस ARR में अभी क्या है, तो अभी इस ARR में कुछ नहीं है, ये कहीं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आपने इसको इसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं करा है। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि हम जावा में एरे का रेफरेंस बना रहे हैं। और यहां मैं एक और बात आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, जावा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देती है कि जब हम जावा में एरे का रेफरेंस बनाते हैं तो ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल देख रहे हैं ये एरे रेफरेंस के नाम के बाद भी आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर इसी का एक ऑल्टरनेट वे समझा जाए तो एरे डिक्लेयर करने का एक ऑल्टरनेट तरीका जावा में ये है, आप एरे का रेफरेंस लेंगे और एरे के रेफरेंस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं, डोंट गेट टेम्प्टेड कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज दे दें, नहीं, क्योंकि ये एरे नहीं बन रहा है। अगर गलती से भी आपने यहां साइज लिख दी तो जावा जनरेट कर देगी सिंटेक्स एरर, क्योंकि ये एरे नहीं है, ये एरे का रेफरेंस बन रहा है, राइट? बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमी होती है कि ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये एक एरे है, ये एरे नहीं है, ये एरे का रेफरेंस है, राइट? अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जावा में एरे कैसे बनेगा। तो सेकेंड स्टेप है हमारा, वो है डिक्लेयरिंग दी एक्चुअल एरे, डिक्लेयरिंग दी एक्चुअल एरे। ओके, कैसे बनता है जावा में एरे? अब आएगा न्यू कीवर्ड का यूज। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एरे रेफरेंस का नाम लोगे, इक्वल टू लगाओगे, न्यू कीवर्ड यूज करोगे, डेटा टाइप लिखोगे जो भी आपको एरे की देनी है। और क्या अब आप एरे बना रहे हैं? यस, अब आप एरे बना रहे हैं। तो अब जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, गौर कीजिएगा, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करेंगे एरे की साइज। अब जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है दैट इज गोइंग टू होल्ड साइज ऑफ द एरे। सो आप डेटा टाइप दोगे, उसके बाद प्रोवाइड करोगे साइज। तो मैं अगर अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, इस वाले एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो मैं लिखूंगा ARR इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, न्यू INT और लेट से साइज मैंने दी 10। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या हो रहा है, न्यू INT 10 से क्या बन रहा है? This is the array object जो जावा मेरे लिए new keyword से बना रही है। क्या बन रहा है ये अपने आप में एक array object बन रहा है। कहाँ बनेगा ये array object? As I told you, ये array object बनेगा आपके computer के heap area में। अब मैं आपको इसका diagrammatic view देता हूँ कि कैसे बनेगा। Imagine करिए, ये आपके computer का heap area है, this is heap memory। So what Java is going to do is that Java इस heap memory में बनाएगी एक object। Don't worry किसी और ऑब्जेक्ट है तो इसकी क्लास कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी बस इतना मान लीजिए जावा मेमोरी में बनाएगी एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा क्या स्टोर करेगी? इस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा स्टोर करेगी 10 इंटीजर्स का आपका एक एरे। जो बाहर ओवल शेप आप देख रहे हैं ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम बोलते हैं एरे ऑब्जेक्ट। और अंदर जो मैं आपके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारा एक्चुअल एरे है जिसके अंदर उतने सेल होंगे जितनी आपने एरे को साइज दी है। कितनी साइज दी है अपन ने साइज दी है 10। तो यहाँ 10 सेल होंगे, जैसा मैंने कहा क्योंकि जावा में भी एरे इंडेक्स बेस्ड है, ये 10 सेल 0 से लेकर कहां तक एक्सटेंड करेंगे? एज वी नो ये 0 से लेकर एक्सटेंड करेंगे अप टिल 9। तो हमारा जो आखिरी इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा? 9। और क्योंकि इस एरे को न्यू ने बनाया है, न्यू एक काम और करेगा और वो ये इन सारे मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देगा इनकी डिफॉल्ट वैल्यू से, क्योंकि ये एरे ऑफ इंटीजर्स है सबके सब इनिशियलाइज होंगे 0 से। अगर ये एरे ऑफ बूलियंस होता सबके सब इनिशियलाइज होते फॉल्स से। अगर ये और किसी टाइप का एरे होता तो उस डेटा टाइप के जैसे डबल का होता तो उस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू जैसे डबल के लिए 0.0 है उससे ये एरे हो जाता इनिशियलाइज। अब इस पूरे एरे ऑब्जेक्ट का होगा कुछ मेमोरी एड्रेस। अपन मान लेते हैं इसका मेमोरी एड्रेस 8000 है। ये 8000 हमारे इस ARR रेफरेंस के अंदर आएगा और हमारा ये ARR रेफरेंस इस एरे को करने लगेगा पॉइंट। तो डायग्राम बहुत अच्छे समझिएगा, इससे आप बहुत आगे की चीजें इजीली समझ पाएंगे कि जो ARR है वो एरे का रेफरेंस है। मैं मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप नोट्स रिवाइज करें तो आपको याद रहे व्हाट इज दिस ARR। तो आप इसको पढ़ोगे, दिस इज रेफरेंस टू एन इंटीजर एरे। ओके, और अगर आपसे मैं पूछूं ये क्या है जो ओवल शेप ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये हमारा एक्चुअल इंटीजर एरे है, एक्चुअल एरे ऑब्जेक्ट है जो जावा हमारे लिए बना रही है। दिस इज आवर एक्चुअल एरे ऑब्जेक्ट। आई होप ये डायग्राम आपको समझ आ रहा है कि कैसे जावा के अंदर हम एरे बनाते हैं और कैसे जावा मेमोरी में उसको क्रिएट करती है।
अब जैसा मैंने आपसे कहा, कोई जरूरी नहीं है कि ये काम हम दो स्टेप्स में करें, हम आराम से इन दो स्टेप्स को मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स? कुछ ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप के बाद सीधे सीधे आपके स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल के बाद एरे रेफरेंस का नाम इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद यहीं पे आप मेंशन कर दें न्यू, न्यू के बाद एरे की डेटा टाइप, और आप मेंशन कर दें आपके एरे को दी जाने वाली साइज। तो मैंने यहां साइज मेंशन कर दी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल आप देख रहे हो रेफरेंस के साथ, ये राइट साइड पे भी आ सकता है उसके, तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेटर को यहां से हटा के यहां पे कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जावा हमेशा रिकमेंड ये करती है कि आप डिक्लेरेशन करते वक्त रेफरेंस के लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करें। चलते दोनों हैं, बट ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज रिकमेंडेड अप्रोच बाय जावा। जावा रिकमेंड करती है कि आप इस अप्रोच को यूज करें, दिस इज मच बेटर, मच रीडेबल, और जावा का जो सेंस है वो इससे ज्यादा बेटर कन्वे होता है कि ARR एरे नहीं है, ARR एरे का अपने आप में रेफरेंस है, राइट? तो ये होता है जावा का तरीका एरे बनाने का, मेमोरी में एरे स्टोर करने का। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एरे को एक्सेस करना हो, लेट्स से मुझे एरे के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अच्छी बात यह है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद जब जावा में आप एरे पे ऑपरेट करते हैं तो सिंटेक्स वही यूज करते हैं जो सिंटेक्स आप यूज करते हैं सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में। क्या सिंटेक्स होगा एरे को एक्सेस करने का? तो एरे एक्सेस करने का सिंटेक्स अगर मैं लिखूं तो वो बिल्कुल वही है जो आपने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, राइट? आप एरे रेफरेंस का नाम लेंगे, राइट? तो ऐसे लिख देते हैं एरे रेफरेंस। एरे रेफरेंस के नाम के बाद सबस्क्रिप्ट लगाएंगे। अब ये सबस्क्रिप्ट कहलाएगा रादर देन स्क्वायर ब्रैकेट। सबस्क्रिप्ट के अंदर आप मेंशन करेंगे इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स वाले सेल पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है, और फिर असाइनमेंट लगाकर आप अपनी वैल्यू दे देंगे। ये आपने वैल्यू स्टोर करी, राइट? अगर आपको लगता है आपको वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो आप किसी वेरिएबल का नाम लेंगे इक्वल टू, इक्वल टू के बाद आपके एरे रेफरेंस का नाम आएगा जिस एरे को आप एक्सेस कर रहे हो। एरे रेफरेंस के नाम के बाद अगेन सबस्क्रिप्ट आएगी, और सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा आपका इंडेक्स नंबर। इससे आप एरे का डेटा किसी वेरिएबल में रिसीव कर पाएंगे। What the point? तो अगर मैं इसको भी एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, छोटा सा एक एग्जाम्पल, तो आपका कुछ ऐसा कोड हो जाएगा int square bracket arr equal to new int, let's say मैंने 5 का array बनाया। जैसा आप जानते हैं, आई होप अब समझ में आ रहा होगा आपको, arr मेरा एक रेफरेंस बनेगा। ओके, जब मैं कहूंगा न्यू int 5, तो जावा मेमोरी में बनाएगी एक एरे ऑब्जेक्ट, ये मेरा एरे ऑब्जेक्ट बना। इस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा और डायग्राम चेंज कर दूं, राइट? इस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर जावा बनाएगी हमारा एक एरे। ये एरे की साइज अपने आप में जावा रखेगी 5, क्योंकि हमने 5 दिया है। 0 से लेकर 4 तक इसके इंडेक्सेस होंगे, 0 0 0 0 0 डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी। अगर मैं मान लूं इस एरे का बेस एड्रेस, इस एरे ऑब्जेक्ट का बेस एड्रेस 6000 है, तो ये जो 6000 है ये हमारे ARR में आएगा, और ARR इस पूरे एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। अब अगर आपको लगता है कि वो जो फर्स्ट एलिमेंट में 0 पड़ा है, आपको वो 0 हटाकर वहां पर 10 डालना है, तो आप जावा से क्या बोलेंगे? आप जावा से बोलेंगे ARR 0 इज इक्वल टू 10। जावा को क्या समझ में आएगा? जावा को समझ में आएगा कि उसे ये वाला 0 हटाना है, और इस 0 की जगह पर वैल्यू प्लेस कर देनी है 10। इसी तरह से अगर आप जावा से कहते हैं ARR 1 इज इक्वल टू 15, तो जावा समझेगी इस वाले इंडेक्स पे 1 है, वो 1 हटाना है। यू आर आस्किंग जावा टू रिमूव दिस, सॉरी 0, ये 0 हटाना है, और इस 0 की जगह पर स्टोर कर देना है 1। इस तरह से आप एरे के एक एक सेल को अपनी तरफ से वैल्यू कर सकते हैं असाइन। और अगर आपको ये वैल्यू डिस्प्ले करनी है, सिर्फ डिस्प्ले ही करनी है अगर, तो आप लिख देंगे system.out.println ARR 0। ऐसे लिखेंगे तो आपको एरे की फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारे केस में 10 है, system.out.println, ठीक है? फिर आप लिखेंगे यहां पर ARR 2 और लेट से ARR 1, तो हमारे केस में वैल्यू हमें मिल जाएगी 15, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ट्राई टू थिंक कि सवाल का आंसर क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, एंड देन वीडियो कंटिन्यू कीजिए। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन अगर मैंने एरे 5 का बनाया है और मैं जावा से बोलता हूं ARR 6 में मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 50। क्या होगा अगर मैं जावा से बोलूंगा ARR 6 में मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 50? क्या ये कोड जावा कंपाइल करेगी जबकि एरे की साइज 5 है?
सोचिए, बिल्कुल करेगी। जावा इसको कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं देगी, राइट, विल कंपाइल। लेकिन आपने जावा के बेसिक्स में पढ़ा होगा, जावा बहुत स्ट्रिक्ट है एरे की बाउंड्रीज को लेकर। अगर एज अ डेवलपर आप एरे की रेंज को क्रॉस करते हैं तो जावा रन टाइम पे थ्रो करती है एरर। एंड वी ऑल नो जावा में रन टाइम पे जब एरर आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो क्या होगा इस कोड का बिहेवियर, ARR 6 इक्वल टू 50, तो जावा है इट विल कंपाइल बट विल थ्रो एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन? तो एरे के लिए जो जावा में एक्सेप्शन बनाई गई है उसका नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं तो ये बहुत कॉमन एक्सेप्शन है, मैं आगे भी इसको कई बार आपसे डिस्कस करूंगा। ये वो एक्सेप्शन है जो जावा में तब आती है जब हम किसी भी एरे की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। और एरे की बाउंड्रीज क्या है? जीरो से लेकर लेंथ माइनस वन तक। यानी अगर मैं ARR 6 की जगह ARR माइनस वन भी बोलता ना तो भी ये कंपाइल होता, लेकिन रन टाइम पे थ्रो करता एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इट्स अ वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन कि एरे की इंडेक्सिंग नेगेटिव होती है तो क्या होता है। लोग सोचते हैं इंडेक्स एरर आती है, नहीं आती है। जब एरे की इंडेक्सिंग नेगेटिव होती है कोड कंपाइल होगा लेकिन एक्सेप्शन आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो ये था आपको एरे के बेसिक समझाने का वीडियो। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैसे हम जावा में एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, कैसे हम जावा में यूजर से एरे में इनपुट लेंगे, और एक छोटी सी एरे की एप्लीकेशन। एंड देन वील मूव ओवर टू दोस क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को लेते हुए एरेज में। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू।